ब्रेकिंग न्यूज अवसर शेयर कहूँ मीरपुर माथिले के जाखोड़ी रिपोर्टर लतीफ वसीर के वाड़े ते चढ़ाई कदड़ एसएचओ समेत समूरा एहलकार ड्यूटियों से बरकरार हैं। आईजी सिंध आवास टीवी के रिपोर्टर से नाइंसाफी जो नोटिस वरतो अवे बुधाई तो सखर के एडिशनल आईजी कामरान फजल खां रिपोर्ट तलब कई है। मीरपुर माथिले के जाखोड़ी रिपोर्टर लतीफ वसीर के वाड़े ते चढ़ाई कदड़ एसएचओ समेत समूरा एहलकार ड्यूटियों से बरकरार हैं। इन हवाले से गाल बोल कर राबो किया सीनियर सहाफी ए सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के सदर गाजी जंडीर से। अस्सलाम वालेकुम गाजी जंडीर। गाजी इन मामले तवंदा जो सहाफी लतीफ वसीर के हवाले से मामलो है। जी बिल्कुल ये अफसोसनाक सूरत हाल है। तसलसल है सिंध में सहाफिन के खिलाफ जे वेझे माजी में कूड़ा केस दाखिल उन्होंने ही शिकार बनो है। लतीफ वसीर जो मीरपुर माथेलो से ताल्लुक रखड़ एक सुठो ए बेपाक सहाफी लेखो वो रो है। आवाज टीवी में उन वेझे माजी में भोजकी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कुछ स्टोरीज रिपोर्ट क्यों। खास तौर से लतीफ वसीर आवाज टीवी में एक हाई प्रोफाइल स्टोरी रिपोर्ट कई जैमें उन्हें जाना हो तो एक साल के अरसे दौरान भोजकी में 84 का मानू कतल थी चुका है। बदमनी वाली सूरत हाल है। उनका असा समझू था एस एस पी घोटकी उनके टारगेट बनाए उनके अजीज रिश्तेदार के खिलाफ चार गूड़ियों एफ आई आर दाखिल करायूं उनके लतीफ वसीर के वाड़े से पुलिस की काह कराए उनका बेगुनाह मानू गिरफ्तार कराया। इन मामले से कल सजी सिंध में सहाफिन के तरफा रद्देमल दिनों वो पर अफसोसनाक सूरत हाल यह है तो हिंसर तीन घोटकी में एस एच ओ जो लागापियल है एस एस पी है या जे अमलदार गैर कानूनी कार्रवाई में या कानून की लताड़ में मुलविस रहा है उनके खिलाफ कें किस्म की का को भी एक्शन तो सामू ना आया है। अलबत् आई जी सिंध पुलिस मुश्ताक महर सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल पारा गुजरियल रात राबो किया वो जैसे उन सूरत हाल जो नोटिस वे एडिशनल आई जी सखर कामरान फजल साहब के हुक्म दिनों है तो मामले की इन्वेस्टिगेशन कई वे खेस रिपोर्ट दी वे इन हवाले से एडिशनल आई जी की ऑफिस में भी रात देर से मूसा राबो किया वो है। समूरी सूरत हाल जी मालूमात वरती हुई ही अज हिंसर कुछ देर में इम्कान है तो लतीफ वसीर की एडिशनल आई जी सखर डॉक्टर कामरान फजल से मुलाकात की वी असि कोशिश करूं पाया तो हि जो मामलो है पुलिस की आला अख्तियार के समूरी सूरत हाल का आगाह किया वे। पुलिस खास तौर से घोटकी के ए सेक्शन थाने की पुलिस असाजे सहाफी साथी के खिलाफ उनके अजीजन के खिलाफ चार कूड़ा केस दाखिल किया जे बिल्कुल बेबुनियाद हैं जिनको को भी जवाब ही ना है। एफ आई आर ए सेक्शन थाने ते जी गाजी जी आई जी सिंध भी ना जो नोटिस वरतो है पोई भी जे पुलिस एहलकार एतरा बायसर हैं जो इन वक्त तीन पी ड्यूटियन ते बरकरार हैं उन्हें खिलाफ का कार्रवाई भी नहीं सकी है। जी ये अफसोसनाक सूरत हाल है तो आई जी सिंध एडिशनल आई जी सतह के ऑफिसर बाजी में भी यह प्रैक्टिस रही है हाँ भी असूँ पाया नोटिस वन पाया मामले की इंक्वायरी के हवाले से काफी अर्से तीन शे के इंगाया वो पर जो प्रैक्टिकल एक्शन है या इंसाफ थे नजर न पो अचे को भी सहाफी जैं पुलिस अमलदार के खिलाफ लिखे तो का खबर तो वो सहाफी जो प्रोफेशनली राइट है उनकी जॉब है पर इन तरीके से सहाफिन के भेजाण या हिसाण वाली जो रवश है वह माजी में रही है। अजो के ढीन में टारगेट बनाया वे पो घोटकी जिले से ताल्लुक रखड़ नाले वे सहाफी लतीफ वसीर के जै वक्त रिकॉर्ड मौजूद है तो उन वेझे माजी में एस एस पी घोटकी या घोटकी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से केतर ही सवालिया निशान से बदल स्टोरी फाइल कई आवाज टीवी से जैखा उन माइटन के खिलाफ चार पूरा केस पुलिस की फरियाद में यानी पुलिस उन केसन में फरियादी भी पा है पुलिस यो करार दे पी ते अब्दुल लतीफ वसीर जहा माइट हैं उहारी धारेल उन्होंने पुलिस से फायरिंग कई है पुलिस मुकाबलो किया है या पुलिस से खून के इरादे से हमलो किया है। इन किस्म की जहां अफसोसनाक सूरत हाल है वह सिंध में बाजी में भी रही है पर हाँ आई जी सिंध मुश्ताक महर के मुकर थे असके उम्मीद हुई तो यह प्रैक्टिस है उनमें तब्दीली इंदी पर अफसोस जी सूरत हाल है अज तई उ सूरत हाल बरकरार है जी जो तीय सिंध में सहाफिन के विक्टिमाइज किया वे पो पुलिस के तरफा पूरन केसन वसीले पर इनमें जी सुी हौसलो ढींदड़ गाल है
ताजी साहब के हुक्म का एडिशनल आई जी सखर तलब करे वरतो आहे लतीफ वसीर के असा पुरुमीद आयो तो एडिशनल आई जी आई जी सिद्ध इन मामले जो संजीदगी से नोटिस वे असा के इंसाफ दींदा तेसी ती असा जी जदोजहद है या जो एहतजाज है वो खत्म नो जैसी ती लतीफ वसीर के माइटन के खिलाफ दाखिल कूड़ा केस खत्म ना उन कूड़न केसन में जो मुलविस पुलिस जो ऑफिसर्स उनके खिलाफ कार्रवाई नींदी इन हाने से सजी सिंध के दोस्तों से राबते में आयो बिन दिन तक इंतजार कदी तो आई जी सिंध के नोटिस पुलिस इन मामले से कोई इंसाफ दे थी या शफाफ इंक्वायरी कराए थी तो ठीक है बी सूरत में अस इन एहतजाज जो जो दायरो है उनके बताइंदी इम्कान असा सिंध संघ जो इंदर इजलास है उन इजलास में बाइकाट कदी कार्रवाई जो जो तसलसल है पुलिस जो सहाफिन के खिलाफ कूड़न केसन वाली दहशतगर्दी जो या पुलिस गर्दी जो उनके खिलाफ जो जदोजहद वो अमल है। खाजी जंडीर गाल बोल करने लाया।